नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूं चीज जसवाल। आप देख रहे हैं टारगेट इज पॉसिबल। गवर्नमेंट ने 10 लाख नौकरियां दिया, वो भी एक भीएलई के रूप में। क्या इसे आप लोग नौकरी मानते हैं कि आप अगर डिजिटल सेवा पोर्टल चलाते हैं तो आपको एक नौकरी मिल गई है? उसी के ऊपर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, और साथ ही साथ IRCTC में एक बड़ा अपडेट आया है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लोग कि जो कि मंत्री जी बता रहे हैं, ग्रामीण भारत में CSC द्वारा 10 लाख नौकरियां तैयार की गई, जहां पर बताया गया है सामान्य सेवा केंद्रों ने ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। उन्हें डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपकरणों के जरिए सशक्त बनाया गया है। इसे 10 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां बनाई गई हैं, जिसमें 52,000 महिला उद्यमी CSC का संचालन कर रही हैं। यह बात पटना में एक समारोह था, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन पे माननीय मंत्री शिवशंकर प्रसाद जी ने ये बात कही। क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि आप डिजिटल सेवा पोर्टल चला रहे हैं तो आप एक नौकरी धारक हैं? ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि एक VLE एक नौकरी धारक है। चलिए, वे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे कमाते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल से, वे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। दोस्तों, जो दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है IRCTC को लेकर, CSC का यह कहना है कि जितने भी डिजिटल सेवा पोर्टल लिए हुए VLE भाई हैं, वे लोग IRCTC एजेंट ID के लिए आप लोग अप्लाई करें। आप लोग भी अपने सेंटर से IRCTC की सर्विस को प्रदान करें, साथ ही साथ DigiPay का भी आप लोग सफलतापूर्वक उपयोग करें। और इसमें यह नहीं बताया गया कि अगर आप IRCTC के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो आपके डिजिटल सेवा पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन और अगर आपको IRCTC रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत आती हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं विस्तार से उसके रिलेटिव वीडियो बना दूंगा। और इसके पहले भी मैं इस IRCTC में कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आएगी। इसके रिलेटेड अगर भी कोई जानकारी लेनी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आप लोगों से यहाँ पे एक और सवाल पूछूंगा। अगर आपको कोई और नई टॉपिक पर वीडियो चाहिए जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, और आपको कोई और नई जानकारी लेनी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। सो थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।